दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। बहादुरगढ़ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 410 पर पहुंच चुका है। ऐसे में एनजीटी की सख्त प्रतिबंध भी राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लागू हो चुकी है, जिसके तहत टिकरी बॉर्डर पर पुलिस डीजल वाहनों को दिल्ली में एंटर करने नहीं दे रही, उन्हें यू टर्न दिलवाया जा रहा है। 24 घंटे में करीब 250 वाहनों को टिकरी बॉर्डर से वापस मोड़ा जा चुका है। दिल्ली में प्रतिबंधित वाहनों के घुसने पर उन पर 42,000 रुपए प्रति वाहन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा रहा है। दिल्ली में एंट्री बैन होने और चालान की वजह से व्यावसायिक वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बता रहे ना, अभी ग्रीन टैक्स कट जाता, रिटर्न हो रही हैं गाड़ियां, तो गलत है ना, ग्रीन टैक्स भी दे रहे हैं। टैक्स तो नहीं कटता, टोल तक जाता, ये टोल ग्रीन टैक्स ही है ना, कट रहा है टोल का। हाँ, टोल कट रहा है, फिर रिटर्न कर देते हैं गाड़ियों को। लेकिन गाड़ियां तो यहीं से रिटर्न हो रही है। नहीं नहीं, गाड़ियां कहाँ, अपनी एक दो गाड़ियां अंदर गई हैं एयरपोर्ट साइड भी, वो भी रिटर्न कर दी ग्रीन टैक्स कटने के बाद। बताओ, ऐसे तो काम कैसे चल पाएगा। लेकिन पोल्यूशन को देखते हुए सरकार का फैसला, पोल्यूशन देखते हुए सरकार का फैसला, पर एकदम से जो गाड़ियाँ चेन्नई से भर के निकली है वो कमर्शियल माल लेके, तो वो रिटर्न कर देंगे यहाँ से, तो वो कहाँ पे बताओ कहाँ जाएगा गाड़ी वाला, इतनी दूर से लेके आए, उनको तो नहीं पता ना, जो गाड़ी ऑन द वे थी रस्ते के अंदर है, एकदम से लागू कर दिया ना माल, क्या होना चाहिए भाई, एंट्री देनी चाहिए धीरे धीरे, एकदम से शासन लागू नहीं होना चाहिए। मेरा नाम मिलन है जी, मैं यहाँ पे अपना मकान बना रहा हूँ जी, हम खुले में बैठे हुए हैं, हमारी ईट आनी थी अभी, ये पुलिस वालों ने उसको आने नहीं दिया, हम मकान को भी नहीं बना सकते जी। जो प्रदूषण होता है वो तो रोड पे जो धूल मिट्टी उड़ती है उसकी वजह से होता है, हम तो पानी मार के अपना ईंटों पे अच्छे तरीके से कपड़ा धक्के लेके आते हैं। बताओ, सरकार जो काम करना चाहिए जिससे फ़ायदा होता है प्रदूषण की रोकथाम, वो तो कर नहीं रही, और अन्यतर मतलब लोगों को परेशान करने वाली बात है। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे तो धूल उठती है। हाँ, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे धूल नहीं उठ रही जी, वो तो पानी मार के हम आराम से करते हैं, अपना अंदर चार दीवारी के अंदर होता है काम। परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी हो रही है, सरकार को लोगों का काम नहीं रोकना चाहिए। एनजीटी की तरफ से गाइडलाइंस आई थी कि कमर्शियल व्हीकल BS6 को छोड़ के सभी गाड़ियों को वापस कर रहे हैं हम बॉर्डर से, और कल 24 घंटे में हम 230 गाड़ियां वापस कर चुके हैं, और रात में भी हमारी टीम लगी हुई थी और दिन में भी राउंड क्लॉक हमारी टीमें काम कर रही हैं। कोई वाहन गलती से आगे निकल जाता है तो उसके लिए क्या, उसके लिए और आगे अंदर हर पॉइंट पे टीमें लगी हुई हैं, अगर कोई दाएं बाएं से कहीं से किसी चोर रास्ते से निकल भी गया तो उसको वो आगे नहीं जा पाता, हर पॉइंट पे हमारी टीम लगी हुई है और उसको वहीं से वापस कर रहे हैं। चलान का भी प्रावधान किया गया। हाँ, चलान का भी प्रावधान है, उसमें मालिक का भी और ड्राइवर का भी, दोनों का चलान किया जाएगा, उसमें 20,000 ड्राइवर का और 20,000 ओनर का चलान है उसमें।